अबे देख ये आ गया दूध। अबे रुक बे, बे हरामजादे, तूने मेरे दोस्त राजवीर के पैसे अभी तक क्यों नहीं लौटाए? बाबूजी गलती हो गई, जल्दी ही लौटा दूंगा। अबे साले, जब तेरे पास पैसे देने को नहीं थे तो तूने लिए क्यों थे? बे मारो साले को, इसकी अकल जब ही ठिकाने आएगी। निकाल पैसे, निकाल पैसे, निकाल। हरोश, क्यों मार रहे हो इसे? ए देवा, निकल यहाँ से, वरना जो हाल इसका हुआ है वो ही हाल तेरा रहूंगा। चल फुट। लगता है तुम लोगों की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ऐसा मुझे बचा नहीं था, ये लोग मुझे जान से मारते हैं। तुम चिंता मत करो, जब बचाने वाला हो वो तो कोई फना कर नहीं सकता, और आज इन कुत्तों को मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। देख लेंगे तुझे हम। ए देवा, तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे। ना देख लेंगे देवा तुझे, अरे तू क्या देख लेंगे। सब ये एहसान आपका मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। तुम अब बेफिक्र होकर यहाँ से जाओ। लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी। हाँ पिताजी। चाय बनी या नहीं? चाय बन गई है, अभी लाई। बन गई हो तो ले आओ बेटा जल्दी। क्यों जी, तुम्हें कुछ मालूम है या नहीं? जानकी तुम कहना क्या चाहती हो, कुछ साफ साफ कहो। मैं ये कहना चाहती हूँ, देवा 24 घंटा घर से बाहर घूमता रहता है, उसका कुछ सोचो नहीं लड़का हाथ से निकल जाएगा। माँ तुम भैया की शादी कर दो, वो अपना सुधर जाएगा। पर इस सुसरे से कौन लड़की शादी करेगी, 24 घंटे तो आवारा गर्दी करता रहता है। देखो जी, मैंने तो आपको बता दिया है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाना। लो आपने कहा अटपक गया। क्यों री माँ, तुम्हें कोई और काम है या नहीं? 24 घंटे मेरे ही बारे में बातें करते रहते हो। भाई हमें तो काम है तेरे बारे में सोचने का, तुझे कुछ काम है कि नहीं? भैया तो दो ही काम आते हैं, एक सोना और एक खाना। जब देखो ये लोग मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़े रहते हैं। चल लक्ष्मी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। भाई साहब, क्या आप मेरी बकरी का ध्यान रख लोगे? क्यों बे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा मैं किताब में झक मार रहा हूँ? बेकार की बात ना करियो। अच्छा चल, तू ही आ जा मेरा बेटा, आ जा जी जानू, आ जा चल किताब पर देख। भविष्य बता लोगों का भविष्य भी। अरे भाई साहब, क्या ये बकरी पढ़ना जानती है? क्यों भी तुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये ऐसी वैसी बकरी नहीं है, ये लोगों का भविष्य जानती है। क्या? अरे भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, जरा बुलवा कर तो दिखाओ इसे। बता मेरी जानू, जून से पहले कौन सा महीना आता है बता। अरे भाई साहब क्या बेचोगे इसे? अबे 20,000 की है ये। अच्छा तो भैया ये लो 20,000 रुपए। वो भैया अपनी पकड़ो लगाओ, चल मैं तो भैया चलता हूँ। Thank you.
है। माँ भैया सपना देख रहा है अमीर बनने का। अच्छा इसका भी निकालती है सपना, इसे अमीर अभी बनाऊंगी। अब नजर आएगा। लगा रहा है? अरे मेरी माँ, तूने तो मेरे सारे सपने पर ही पानी फेर दिया। अच्छा क्या जो भैया के ऊपर पानी डाल दिया, वरना ये सारे दिन सोते ही रहते। दो चांटे लग गए ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी चांटे लगवाऊं तेरे से? चल जल्दी तैयार हो, तेरे दोस्त आते ही होंगे। तो मैं क्या मना कर रहा हूँ, मैं तो नहाने जा ही रहा था। तुम दोनों यहीं ठहरो, मैं देवा को बुला के लाता हूँ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे देवा, अरे देवा, तेरा दोस्त अजय आया है। बड़ी देर हो गई यार, अभी आया नहीं। अभी आ जाएगा यार, फिर चलते हैं। हाँ अरे देवा, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। हाँ हाँ नहीं लड़ेंगे। और कहाँ थे देवा? बस यार यही है, आजकल मौज ले रहे हैं मौज। अरे बॉबी कहाँ है? गाड़ी पिंचर हो गई, पीछे वो गाड़ी के साथ है। चल बैठ जा भाई। देखो एक चुटकुला सुनो। सुनाओ सुनाओ भाई। मेरे दादाजी एक बार नाव से नदी पार कर रहे थे, उनकी गाड़ी नदी में गिर गई। 10 साल बाद मिली तो बॉबी चलती हुई मिली। अरे भाई ऐसा कैसा हो सकता है, तुमने तो गुलफाम को भी मार दे दी। अरे यारो एक मैं भी सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ। एक बार मेरे दादाजी नदी में गिर गए, वो 10 साल बाद नदी से निकले। मर गए होंगे? अरे नहीं यार, तो मछलियों को दाना दे रहे होंगे। अरे नहीं यार, वो तुम्हारे दादाजी की घड़ी को चाबी दे रहे थे। मजा आ गया यार, कमाल कर दिया तूने। अरे यार देवा देख, नया मुर्गा आ रहा है। अबे बुलाओ उसे। ओए यहाँ पे आओ। यार तो बे न्यू एडमिशन? यस सर, नया एडमिशन है, आज पहली बार ही कॉलेज में। जब तूने बटन खुले खोल छोड़ रखे हैं? या कौन सी क्लास में एडमिशन लिया? सर बीकॉम फर्स्ट ईयर। अच्छा टाइम बता क्या हुआ? ये टाइम 12:15। 12:15 बजे टाइम हो रहा तेरा आने का? जी सर, वो गाड़ी खराब हो गई थी। टाइम से कॉलेज आकर निकल पतल गली से। चल चलो यार, हम भी अब क्लास में। तो सभी स्टूडेंट अपनी नोट्स निकालेंगे। अजय तुम बताओ, कल मैंने कहाँ से छोड़ा था? सर मुझे तो मालूम नहीं। अच्छा अच्छा बैठ जा बैठ जा। देवा तू बता ना, कल मैंने कहाँ से छोड़ा था? सर जब आपको ही नहीं मालूम तो मुझको कैसे मालूम होगा कि आपने कहाँ खत्म किया होगा? सारी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन तू नहीं सुधरेगा। चल बैठ जा। बॉबी तुम बताओ, कल मैंने कहाँ से छोड़ा था? जी सर, आपने शायद 342 पे छोड़ा। देखा देखा देखा, पूरी क्लास में एक स्टूडेंट है जो पढ़ने में रुचि रखता है, बाकी के तो सब झक मारने आते हैं मास्टर जी। राणा
आजकल तू बहुत बिगड़ता जा रहा है, है? लगता है तेरी शिकायत मुझे प्रिंसिपल से करनी पड़ेगी। मास्टर जी, अगर तुमने हमारी शिकायत प्रिंसिपल से की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मुझे तेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि अपने गुरु से कैसे बातें की जाती है। अबे यार देवा, तू बेकार के पंगे लेता है। तू नहीं समझेगा, ये लोग लातों से मानते हैं, बातों से नहीं। अरे यार जैसा करे सो कर, मुझे तो एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं तो चल रहा हूँ। देवा जा, तुझे तेरी महबूबा यार। अरे यार तेरी महबूबा नहीं है, उससे मिलने जा रहा होगा। अरे यार तुझे इन गीतों के गाने के अलावा और कोई काम भी है? अच्छा देवा, मैं तो चल निकल निकल। इतनी देर हो गई इंतजार करते। आ गए आप? आई एम सॉरी दादा, पूजा नहीं थोड़ी सी देर हो गई। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूं। दादा आंदा ऐसी गलती नहीं है। तुम हमेशा ये कहते हो, हमेशा देर से। आई लव यू दादा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। दादा तुम कॉलेज क्यों नहीं आई थी? बस यही कॉलेज में मेरा मन भी नहीं लगता रहा था। अजय एक बात बताओ, तुम्हारे बगैर भी मेरा मन नहीं। अच्छा जी, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ऐसे भी क्या जल्दी है राधा, चले जाना। घर के लिए देर हो रही है ना। कल कॉलेज आओगी राधा? हाँ। ओके बाय। ठीक है, बाय राधा। ये आप क्या कर रही हो, जो मेरा फोटो खींच रही हो? जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनकी फोटो खींच लेती हूँ। मैं कोई अक्षय अमिताभ तो हूँ नहीं जो आप बेकार में अपना रोल बेकार कर रही हो। अरे आप तो बेकार का ही परेशान होने लगे। मैं नाराज नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आप मुझे समझाने की छोड़िए, आप मुझे गाँव तक लिफ्ट दे सकते हैं? एक काम करो, सीधी सड़क सड़क गाँव निकल जाओ। मैं तो आपके साथ ही जाऊँगी, अब आप हाँ करो या ना करो। तुमको और कोई नहीं मिला परेशान करने के लिए जो मुझे परेशान करने के लिए आ गई। ठीक है, अगर आप नहीं ले जा रहे मैं तो जा रही हूँ, सीधी सड़क सड़क बाय। ओए सोनिए, आँखियों से किया इशारा और ले गए दिल हमारा।
कहता हूँ सांसें मेरी ठहर गई, वो पास से मेरे जिस दम गुजर गई, सच कहता हूँ सांसें मेरी ठहर गई। अभी तो आई थी अभी किधर गई, अभी अभी तो आई थी अभी किधर गई, सच कहता हूँ सांसें मेरी ठहर गई, वो पास से मेरे जिस दम गुजर गई, सच कहता हूँ सांसें मेरी ठहर गई, सच कहता हूँ सांसें मेरी ठहर गई, सच कहता हूँ सांसें मेरी ठहर गई, सच कहता देवा आज किस तितली को अपने साथ ले आया? ओ राणा, दो रह पट मार दिया ना तो मुंह फाड़ के जमीन में गिर जाएगा, समझे? ओ देवा, चुपचाप निकल यहाँ से, कभी अभी ठिकाने लगाऊं। ए राणा भाग सर, मैं बताती हूँ आपको। आप कौन हैं? सर मेरा नाम सलोनी है और इस कॉलेज में न्यू एडमिशन है। सर मैं और देवा यहाँ से जा रहे थे कि इन दोनों ने हमसे बदतमीजी करी। तुम्हें एक बार और समझा रहा हूँ, अगर हम भी नहीं माने तो कॉलेज से निकाल दिया जाओगे। जाओ क्लासरूम में बैठो। ठीक है मास्टर जी, देख लेंगे हम देवा को। सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क चेक कराएंगे, वो भी सबसे पहले तुम आओ। अरे वाह, यह सब वर्क तुमने किया है। गुड बॉय, गुड बॉय। जाओ तुम अपनी सीट पे। फतेवा, अब तुम अपना होमवर्क चेक कराओ। सर मैं अपनी किताब घर छोड़ रहा हूँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, एग्जाम के समय अपना पेन पेंसिल घर छोड़ के चलेगा है? तेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, बस बस चुप रहो। अजय तुम अपना होमवर्क लेके आओ। सर थोड़ा कम है यार, थोड़ा कम कर लेंगे क्या? अरे नालायक, घर पे जब खाना खाता होगा तो यही कहता होगा, माँ मैं थोड़ा खाना आज खाऊंगा थोड़ा कल खाऊंगा है, बैठ जा। अच्छा राका, तुमसे एक सवाल पूछूं, बताओगे? तुम बताओ, भालू के बाल जंगल में लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि सर जंगल में नाय नहीं होता। अच्छा अच्छा, चलो बैठो, सभी स्टूडेंट अपना मन पढ़ाई में लगाएंगे, बैठो। हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे?
अजय, हर बार तो तुम मेरे घर का एड्रेस लेते हो, खो देते हो। अच्छा चलो, लिखो गली नंबर 8, ब्लॉक नंबर 4, रामपुरा से। चलो नहीं श्यामपुर। चलो नहीं कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आओ मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। हाँ तो फिर कब मिलोगे मुझे? मैं जल्दी ही मिलूंगी, अब मैं चलूँ। ओके बाय बाय। हेलो, हाँ राजवीर बेटा ठीक हो? ये मैं यहाँ ठीक हूँ, आप यहाँ आने की जिद मत करना। हाँ ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अरे छोटे वाले का फोन था? हाँ भाई राजवीर का फोन था, मैंने उसे आने से मना कर दिया, बहुत जिद कर रहा था, यहाँ के फिर गुंडागर्दी शुरू कर देगा। अभी समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अब तो ऐसा ही करना होगा। हाय सलोनी। हाय। कैसी हो? ठीक है, आप बताइए। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ तुम्हारे झूठे प्यार का? यह सपना नहीं है, यह हकीकत है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। शबाब तेरा दिल हुआ पागल,
छम न बजा गोरी ऐसे तू पायल हो देख के शबाब तेरा दिल हुआ पागल छम छम न बजा गोरी ऐसे तू पायल दिल के तूफान को आके दबा जा बच्चा मेरे दिल में नस नस में समा जा आजा जरा आजा खुला दिल का दरवाजा बच्चा मेरे दिल में नस नस में समा जा आजा जरा आजा खुला दिल का दरवाजा बच्चा मेरे दिल में नस नस में समा जा हेलो शुक्ला जी नमस्कार क्या हाल है हमारा बेटा आने वाला ही है राम राम छोटे मालिक राम राम मसीह पिताजी कहाँ है अंदर बैठे हैं वो कंजा कर रहे हैं जब मान ही नहीं रहा तो क्या करें अच्छा फिर बात करते हैं हेलो पिताजी ठीक और बेटे सही हाँ पिताजी मैं तो बैठो आप तो ठीक हैं मौज है तुझे मना किया था फिर भी आ गया मैं जानता हूँ पिताजी पर अपने दिल के हाथों मजबूर था आपकी बहुत याद आ रही थी बेटे मैं समझता हूँ लेकिन तेरी कुछ हरकत ऐसी है जिससे मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी पिताजी आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े ठीक मैं बात चलो बहुत अच्छी बात है अच्छा ऐसा करो नहा धोकर फ्रेश हो जाओ आप अरे बंसी यार राजवीर के लिए खाना लगाओ ए शाका ए राणा तुम लोगों को पता है कल मैंने राजवीर चौधरी के का फोन किया था आज वो आ रहा है तो ने बहुत खुशी की बात बताई अब देवा से लड़ने में मजा आया अरे वो देखो ये तो अपना राजवीर आ रहा है ए राजवीर हाय कैसा है तू दोस्त अरे बस और सुनाओ क्या हो रहा है इस चिड़िया कौन है चिड़िया अरे इसका नाम सलोनी है आज कल इसके नजरे इनायत देवा पर हो रही है राणा के होते हुए किसी की नजरें इनायत नहीं हो सकी कि चिड़िया को मैं भी बुलाता हूँ ले लड़की इधर आ बोलिए आप क्या करना अपने बारे में बता आप क्या यहाँ के हेडमास्टर हैं जब मैं आपको अपने बारे में बताऊँ बता ना मैं हापुड़ की रहने वाली हूँ सलोनी की तरफ अगर तूने आंख उठाकर भी देखा या कभी डाला धमकाकर इसके साथ बदतमीजी की तो देवा तुझे नहीं छोड़ेगा कैसा फड़क रहा है चिड़िया के सामने अगर हिम्मत है तो फाइट के मैदान में आ जाना फैसला लोगों के सामने होगा क्योंकि राजवीर आज तक किसी से नहीं आ रहा आऊंगा अवश्य आऊंगा अरे चलो देवा इन लोगों को मुंह नहीं लगते अरे यार देवा राजू तो बहुत ही खतरनाक फाइटर है वो पिछले कुछ सालों से लगातार फाइट जीतता आ रहा है देवा तुमने चैलेंज तो कर दिया है अगर तुम हार गए तो हेलो राजवीर क्या हाल है हेलो खान साहब कैसा आना हुआ यार वो प्रिंसिपल साहब ने तलब किया था अरे वो तो ठीक है खान साहब लेकिन हमारे काम का क्या हुआ अरे तू अपना दोस्त है यार ऐसी बात करके तू मुझे शर्मिंदा कर रहा है
बस यही तो बात आपकी अच्छी लगती है खान साहब, और हमारा काम हो जाना चाहिए। हमेशा खान तुम्हारे साथ है, हमेशा। बस खान साहब आपका हाथ अगर इस सर पर रहे तो फिर क्या, और कोई बात हो तो बताइए। बताऊंगा खान साहब। ओके, खुदा। ओह ठीक है, ठीक है। आज क्या हो गया था मेरे दोस्त तुझे? आज कैसे पिट गया तू देवा से? राजवीर, बेटा जल्दी खड़ा हो जा, दिन निकल आया। बेटा तेरे पर्चे आ रहे हैं और तू सो रहा है, कल फेल हो गया तो क्या करेगा? पिताजी मैं आज तक फेल हुआ हूँ, जब फेल होऊंगा, मैं पढ़ाई में बहुत मेहनत करता हूँ, इसीलिए तो मैं आज तक फेल नहीं हुआ। भैया समय का कुछ पता नहीं कब किधर चला जाए। तू तो हमेशा मेरे से जलती है और मैं जलाने की बात करती है। चल चुपचाप झाड़ू लगा। ये सही बात कहो तो जलने की बात लगती है। तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, सुबह सुबह मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है। तो फिर टाइम क्यों खराब कर रहा है, जल्दी निकल। अच्छा ठीक है पिताजी। हेलो सलोनी, कहाँ जा रही हो? क्यों, आपको दिखाई देता मैं कॉलेज जा रही हूँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लगता है आज बड़े मूड में हो, कल तो बड़े भाव खा रहे थे। अरे बैठना है तो बैठ जाइए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कॉलेज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। खुदा का नाम है तू शायद ना जाने,
इश्क खुदा का नाम है तू शायद ना जाने। खुदा ने तो जन्नत से उतारी ये सौगात, खुदा ने तो जन्नत से उतारी। प्यार के रंग में लगती है दुनिया ये बड़ी प्यारी। इश्क खुदा का नाम है तू शायद ना जाने। इश्क खुदा का नाम है तू शायद ना जाने। बहुत खुश हो रही थी जब मैं फाइट आ रहा था वो लड़की। ढूंढ उसको, कहां है वो? राजवीर वो बैठे सामने सलोनी। चल पकड़ते हैं उसको। छोड़ो। कल बहुत खुश हो रही थी जब तेरा इशारा ठीक रहा था। अगर देवा आ गया ना तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाता हूँ इसको तो कभी नहीं भूल सकेगी। मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी आज के बाद तू। अब किसको मुंह दिखाएगी तू? आ रहा अपना काम हो गया। Thank you.
सलोनी, सलोनी बात क्या हुई? क्या बात हुई? राजवीर ने मुझे मेरे कॉलेज में बेइज्जत कर दी। राजवीर अब वो नहीं बचेगा, उस कुत्ते ने अपनी मौत को दावत दी है। चलो राजवीर, आज तो तूने उस शालिक को अच्छा सबक सिखाया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखो राजवीर क्या करता है। जब साले देवा को पता चलेगा तो कैसी मिर्ची लगेंगी। समझाया था साले से, पर नहीं माना और ले लिया हम लोगों से पंगा। ये तो मेरे दोस्त, उसकी महबूबा को कर दिया तूने बीच में। पकड़ो साले को। बस देवा, तेरा खेल खत्म हुआ। आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे होते हुए हमारा बच्चा जेल में नहीं जाएगा। देवा ने जो किया है उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मरता है तो मर जाने दो। अंकल जी, देवा ने जानबूझकर नहीं किया। तुम दोस्तों की वजह से सब कुछ हुआ है। तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ। देखो जी, हमारा एक ही तो बच्चा है, हम इस हालत में कैसे देख सकते हैं? जल्दी कुछ करो वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। माँ चुप हो जाओ, भैया को कुछ नहीं होगा। हेलो खान सर। हेलो सलोनी, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे मौके पर सूचना दे दी थी। ये तो मेरा फर्ज था खान साहब, मुझे देवा से मिलना। बलजीत दे, मैडम को ले जाओ, देवा से मिला। और देवा, अब क्या हाल है तुम्हारे? सलोनी, मासूम चेहरे के पीछे इतने बड़े राज होंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अच्छा चुप। शायद तुम्हें प्रियंका के बारे में मालूम होगा, वो मेरी बहन थी जिसने तुम्हारी वजह से आत्महत्या की, इसलिए तुम्हारी वजह से।
तुझ पर मेरी बहुत दिनों से नजर थी, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझ पर तरस खाओ। तरस खाऊं? तरस तो मैं खा जाता, लेकिन तेरी कातिल जवानी पर कैसे तरस खाऊं? बचाओ! चीख! बचाओ! अरे देवा, क्या कर रहा है तू यहाँ पर? चल निकल। तू फिर आ गया अपनी मौत को दावत देने रे? बचाओ! जा देवा जा, हमारे बीच में टांग मत अड़ा। सुअर के बच्चों, यहाँ बैठकर तुम एक लड़की की इज्जत लुटवा रहे हो, आज तुम्हें देवा नहीं छोड़ेगा। चिल्ला चिल्ला, देखता हूँ तुझे कौन बचाने आता है। राजवीर भैया, देवा तूने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अपनी मौत को दावत दी है, मौत को। राजवीर, यह तो वक्त ही बताएगा किसने किसको मौत की दावत दी है। आपसे मेरी विनती है कि आप राजवीर के खिलाफ मेरे साथ चलकर थाने में रिपोर्ट लिखवा। चलो। हाय जान, अरे कहाँ मिलोगी, कब मिलोगी? ते कुछ तो बताओ। इधर कर यार। राजवीर चौधरी ने लड़की की इज्जत लूटनी चाहिए? नहीं देवा, देख देवा, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि राजवीर ऐसा लड़का नहीं है। देख देवा, मैं तुझे अच्छी तरह समझा रहा हूँ, राजवीर बहुत खतरनाक आदमी। तुम केवल रिपोर्ट लिखो, चाहे वो कितना ही खतरनाक आदमी क्यों ना हो, मैं उसके खिलाफ रिपोर्ट जरूर लिखवाऊंगा। चल ठीक है, ओ भाई जिंदे, रिपोर्ट लिखी थी। हाँ राजवीर, देवा मेरे पास आया था तेरे रिपोर्ट लिखाने के लिए। मैंने तुझे इसलिए फोन किया कि तू समझ जा, वरना ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ ठीक है। ए बुड्ढे, कहाँ है देवा? मौत को दावत दी उसने, मौत को। देवा ने मेरे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई है, अगर कल तक उसने अपने बयान वापस नहीं लिए तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। आप लोग कौन हैं? आप जाइए, हम उनसे समझा लेंगे। पिताजी, ये कौन है?
क्या सोच रहा है राजवीर? तू कह तो उठा लेते हैं इसको, बहुत बोलती है ये। समझ गए ना, कल तक, अगर कल तक तुम्हारे बेटे ने बयान नहीं बदले तो तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं इसकी लाश मिलेगी, लाश। ए, उठा लो इसको। ए बुढ़िया हट पीछे। पिताजी ये सब किसने किया? माँ दीदी कहाँ है? बेटा तुझे लाख बार समझाया लेकिन तू समझता क्यों नहीं है? आखिर बात क्या हो गई? अबे नालायक, तूने शहर में इतने दुश्मन पाल रखे हैं, उनमें से एक रागी चौधरी आया था, वो लक्ष्मी को उठा कर ले गए हैं। अगर तूने कल तक बयान नहीं बदले तो लक्ष्मी को जान से मार डालेंगे। अगर लक्ष्मी को जरासी भी चोट आई उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बेटा तू अपने बयान बदल दे, बदल दे बेटे। हाँ तो प्रियंका, क्या राजवीर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी? हाँ जी सर। यार अब तो देवा भी आ रहा है। इंस्पेक्टर आपने मुझे बुलाया? हाँ देवा, ये बताइए कि आपने 23 दिसंबर को क्या देखा? 23 दिसंबर मैंने कुछ नहीं। ये तो क्या बोल रहे हो देवा? देवा ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? कुछ कुछ बोलो देवा। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो ये क्या बोलेगा? इंस्पेक्टर साहब ये इजाजत दो। हाँ देव। यहाँ साइन करो। प्रियंका जी, देवा को लाई थी गवाही दिलवाने। तुम शायद जानती नहीं यहाँ भी राजवीर का राज चलता है। तुम सब मिले हुए हो, मिले हो तुम सब। सलोनी मैं तुम्हारी बहन का कातिल नहीं हूँ, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं अपने घर वालों की वजह से मजबूर था, इसलिए मैंने गवाही बदली थी। मैं तुम्हारी बहन का कातिल नहीं हूँ। देवा जो तूने किया है बहुत बुरा किया है, अब इन हरकतों को छोड़ दे। बेटे ये शरारत छोड़ दो, घर के काम में ध्यान लगाओ। जब तक मैं सलोनी से मिलूंगा नहीं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देवा हमने तो जितना तुझे समझाना था समझा दिया, अगर तेरी यही हरकतें रही तो मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। देवा तुम उस लड़की के पीछे जा रहे हो जिस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया? मैं उससे एक बार जरूर मिलूंगा, आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया? अंकल जी अभी रुकेगा नहीं, चलो देवा।
अभी रोए सुनकर कहानी मेरी बदरा भी रोए बेवफाया देवा, तू हमें छोड़ कर चला जाएगा? मुझे जाना ही होगा, जाना ही होगा मुझे, तुम लोगों को छोड़कर मुझे जाना ही होगा। देवा,
तू हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तेरे बिना हमारा क्या होगा? मेरे दोस्त, मुझे जाने दो। देवा, तेरे बगैर तो हम अधूरे से रह जाएंगे यार। अब तो तुम्हें मेरे बगैर अकेला ही रहना पड़ेगा। मुझे जाने दो तुम। मुझे जाना ही होगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। ये कैसी दीवानगी यार। तू चिंता मत कर, एक आदमी को मैं जानता हूँ जो हमारी हेल्प करेगा यार। तुम लोगों की मर्जी है तो चलो मेरे साथ। चलो। क्यों बे साले, ज्यादा चल भी चलिए तेरे को। साले टाइगर भाई की मुखबरी ही करेगा तू आजकल। अब नहीं करने का साथ, गलती हो गई। हमारे रूल्स को नहीं तोड़ सकता, खुद मैं भी नहीं। हमारे यहाँ गलती की सजा सिर्फ एक है, वो है सिर्फ मौत। सिर्फ मौत, सिर्फ मौत। इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने आप तैयार हो ही नहीं सकता। सब काम दीदी ही करेंगे और कोई तो है नहीं। इतना लेट हो गया पता है। ऊपर कर हाथ। ध्यान से पढ़ाई कर। मेरा मुन्नू तैयार हो गया। अब चले दीदी, मुझे स्कूल लेने आ जाना। राजू तू चिंता मत कर, मैं तुझे स्कूल लेने आ जाऊंगी। दीदी मेरी चॉकलेट। अच्छा ठीक है, ये ले चॉकलेट। अब चले। हेलो। अरे हाँ मिर्ची सेठ, कहो कैसे याद किया? क्या टाइगर से बात करनी है? टाइगर भाई आपका फोन। आओ मिर्ची बोल। ए सियाने बोला तेरे को काम हो जाएगा तेरा। ठीक है ये बे। टाइगर भाई और ये अपने दोस्त लोग हैं विजय, बॉबी और ये देवा। बहुत अच्छे दोस्त है तुम्हारे। टाइगर भाई आपसे एक छोटा सा काम है। बोलो क्या काम है टाइगर से? हमारे दोस्त की प्रेमिका इस शहर में रहती है और आपको ढूंढवाना होगा। इतने बड़े शहर में तो तुम सिर्फ कीड़े मकोड़ा का पता लगा सकते हो। टाइगर मैं केवल यहाँ सलोनी को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर तुझे हमारी मदद करनी है तो ठीक, नहीं मैं उसे अकेला ही ढूंढ लूंगा। महाराज क्या होता बच्चा, अगर तेरी ये इच्छा है तो टाइगर दिल पूरी मत गुजरेगा। जा टाइगर, इन लोगों को खाने पीने का इंतजाम करो। ठीक है टाइगर। अजय काम हो जाएगा। दीवाना साला। अच्छा राजू तुम्हें जाकर पढ़ाई ठीक करना, ठीक है? उधर नहीं बिल्कुल ठीक। सीना जरा यहाँ सुनो, जरा इधर तो मुड़ गए देख। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती। मैं तुमसे से कुत्ते से बात करवा भी नहीं सकती। हिम्मत तो सलोनी को हाथ लगाए। सुल्तान नहीं छोड़ेगा। सुल्तान
का भाई हो या मुल्तान का, आज इसे देवा नहीं छोड़ना। साले, अरे टाइगर भाई से गेम खेलने की कोशिश कर रहा है तू? साले ध्यान रखना, अगर टाइगर भाई से गेम खेलने की कोशिश की ना तो गेम में ऐसा फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी गेम खेलता रह जाएगा। टाइगर भाई देवा को बचा लो। क्या हो देवा को? देवा ने ना सुल्तान के भाई का मर्डर कर दिया। लेकिन देवा कहाँ है? उसे ना पुलिस पकड़ के ले गई। ठीक है टाइगर भाई। हेलो मंत्री जी। हाँ लो टाइगर से बात करो। टाइगर हेलो मंत्री जी, टाइगर बोल रहा हूँ। बलजीत। यस सर। निकाल जरा मेरा सोटा। क्यों सर? आज इस देवा की अकल ठिकाने लगा दी है। देर क्यों करते हो, चलो शुरू हो जाओ। चले। रुक जाओ इंस्पेक्टर। अरे सुल्तान भाई आप, मुझे बेहद अफसोस है आपके छोटे भाई का। इंस्पेक्टर वो लड़का कहाँ है? उस हरामजादे को मैंने अंदर जेल में बंद करके रखा हुआ है। हम उस हरामजादे की शक्ल देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सूरमा पैदा हो गया जिसने सुल्तान भाई को घाव दिया है। हम उस हरामजादे को जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। चलिए सुल्तान भाई चलिए। आइए सुल्तान। हरामजादे बोल, क्यों मारा मेरे भाई को? बता किसका आदमी है तू? सुल्तान भाई यह सब एक हादसा था। हरामजादे एक लड़की के लिए तूने हमारे भाई को मार डाला। तेरी आंखें निकाल के कोटिया चुमक हो पठान, तुझे ये मार बहुत महंगी पड़ेगी। टाइगर भाई कल जो मंत्री को फोन कराया था क्या हुआ उसका? चिंता मत करो अजय, दोबारा फोन करता हूँ उसको। अजय अजय मैं सलोनी से अभी मिलना चाहता हूँ। अभी मिलना चाहता हूँ मैं सलोनी से। देवा जल्दी बाहर कैसे है? जेल की दीवारें इतनी मजबूत नहीं जो देवा को सलोनी से मिलने से रोके। देवा के बीच में कोई भी आएगा तो वो बेमौत मारा जाएगा। अजय देवा को अंदर लेके जाओ। मैं सलोनी से मिलना चाहता हूँ। देवा सलोनी को पता मैं लगा लिया है, कल सुबह तक कौन सा नहीं आया। टाइगर भाई ये देवा तो सलोनी के प्यार में बिल्कुल दीवाना हो गया है। रंगा ये इसकी बड़ी कुत्ती चीज है सारी। अभी तो किसी ने कहा है इश्क नचाए जिसको यार, वो तो नाचे बीच बजा। टाइगर भाई ऐसा आदमी तो हमारे बहुत काम आ सकता है। चिंता मत कर रंगा, टाइम आने पर सबको काम से लगा दूंगा। रंगा ये सब किसने किया? मुझे नहीं मालूम देवा ये सब किसने किया है। जिसने भी किया
देवा उसकी हड्डी फसली तोड़ देगा। लगता है सुल्तान ने किया है, वो यहाँ का डॉन है। सुल्तान अब तू गया, अब तुझे देवा नहीं छोड़ेगा। तुम सब कुछ नहीं बता सकते देवा, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, बहुत शक्तिशाली है वो। मैं का बच्चा बच्चा से कांपता है। चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे उसकी जड़ें कितनी ही मजबूत हो, आज के बाद वो देवा के नाम से कांपेगा। जहां जहां उसे देवा दिखाई देगा, उसे अपनी मौत दिखाई देगी। टाइगर भाई, सुल्तान ड्रग्स डीलिंग करने के लिए जा रहा है। कहां मिलेगा मुझे सुल्तान? वो तुम्हें रूपनगर मिलेगा। सुल्तान तेरी मौत आ रही है। हमने लगाया उसे अटका, टाइगर के जाल में शिकारी फंसा। हाँ भाई, ओहो, अभी बात करता हूँ यार तुमसे। आओ सुल्तान भाई, आओ। हाल है बाबा खान? अरे आपका तो इंतजार था सुल्तान भाई। हाँ बाबा खान, आपका असला मैंने सही सलामत पहुँचा दिया है। ओहो, यह आपका सामान? और बोलो बाबा खान, सही चल रहा है? बस अरे सुल्तान भाई आप कैसे? इंस्पेक्टर खान, तूने अभी तक उस हरामजादे देवा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तू जानता है उसने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है। ए इंस्पेक्टर, तू कहीं उससे मिल तो नहीं गया? ए सुल्तान भाई, समझा अपने चेलों को। साले ऐसा डंडा करूंगा, ऐसा डंडा करूंगा कि पूरी जिंदगी भारत माता की जय बोलता रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, हमारे मुख पर सैर के चप्पे चप्पे पर देवा की खोजी लगी। इंस्पेक्टर, अगर 24 घंटे के अंदर तूने वो गिरफ्तार नहीं किया ना, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। सुल्तान भाई आप मुझ पे भरोसा तो रखो, 24 घंटे के अंदर अंदर उस साले देवा को घसीट कर यहाँ पर अपनी जेल में लेकर आऊंगा। मुझे डायलॉग नहीं, काम चाहिए काम। और हाँ, अगर काम नहीं हुआ तो अपना ध्यान रखना। ओ बलजीते। यस सर। चल साले देवा का पूरा बायोडाटा निकालते हैं आज। कौन है? अभी आई। अरे इंस्पेक्टर साहब आप आइए। मिस सोनी, देवा के बारे में आप क्या जानते हैं? इंस्पेक्टर साहब देवा के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। देखिए कानून के साथ तकरार मत कीजिए, वरना इसका नाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। इंस्पेक्टर साहब अब मुझे देवा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। देखिए मिस सलोनी, वह यहाँ पर निर्दोष आदमी को मार रहा है और इसके जिम्मेदार केवल और सिर्फ आप होंगे। मेरा देवा से लेने देना कुछ नहीं है, चाहे वो किसी को मारे या खुद मर जाए। देखिए मिस सलोनी, मैं आपको समझाने आ रहा था, इससे आगे आप जाने, यह आपका काम। मोहब्बत में लोग खुदा को ढूंढ लेते हैं, हमने तो केवल अपनी महबूबा को ढूंढा है। तुम चाहते क्या हो? मैं केवल तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी।
मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं अपनी बहन के कातिल से शादी हरगिज़ नहीं कर सकती। चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। मैं तुम्हारी बहन का कातिल नहीं हूँ। मैं अभी खान को फोन करती हूँ, वो तुम्हें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहा है। हमारी शादी के बारे में उसे भी नोटा देना। सलोनी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देवा, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बीच जो दूरियाँ हैं वो मिटा दी जाएं। लेकिन मुझे डर लगता है। कैसा डर? जब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। देवा, मैं भी तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन कल जब हमारी औलादें पैदा होंगी तो वो भी गुनहगार कहलाएंगी। मैं केवल तुम्हारे लिए एक गुनाहगार बना हूँ। तुम्हारे लिए ही मैंने हथियार उठाए हैं। अगर तुम चाहती हो कि मैं हथियार फेंक दूँ तो आज मैं हथियार फेंक देता हूँ। ओ देवा। सलोनी, आज मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। देवा, मैं तुमसे प्यार नहीं, नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। तुम मेरी बहन के कातिल हो, जाओ मरो। कातिल नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन का। चाहे कितनी ही नफरत करो, शादी मैं तुम्हीं से करूंगा। ये लो शादी का जोड़ा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे गाली दिया? चिल्लाओ मत। अगर तूने आज शादी नहीं की तो तेरे भाई की मौत की जिम्मेदार केवल तू होगी। मेरे भाई को छोड़ दो देवा, मेरे भाई को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो खड़ी हो जाओ। आज से तुम मेरी धर्म पत्नी हो। देवा, चाहे तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने सच्चे दिल से कभी पति नहीं मानूंगी। कितनी अजीब बात है सलोनी, कल मैं मजबूर हो गया था अपने परिवार वाले की वजह से, और आज तू मजबूर हो गई अपने भाई की वजह से। ये सब मैंने तेरी अकड़ ठिकाने लगाने के लिए किया था सलोनी। अगर तू अब भी मुझे नहीं चाहती है तो मैं आज ही गांव से चला जाता। चलो अजय। सलोनी ने मुझे यहाँ पता नहीं क्यों बुलाया है। देवा, देवा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। देर से ही सही, तुम मेरे प्यार को समझी तो सही। देवा, मैं कितनी नादान जो तुम्हारे प्यार को समझ ना सकी। सलोनी, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही हम अपने
गांव चले जाएंगे, अब तुम घर जाओ। ठीक है। सलोनी सलोनी
कल शाम तक पूरे 50 लाख मुझ तक नहीं पहुंचे तो अपनी मौत का जिम्मेदार तो खुद होगा। समझ गया? टाइगर भाई बहुत चालाक। हेलो क्या टाइगर भाई दीवा गांव छोड़ के जा रहा है? वो गांव नहीं दुनिया छोड़ के जाएगा। मारा था ना कमीने? हाँ मारा था सुल्तान, मैंने तेरे भाई को मारा था। तुझे मार! बहुत हो गया तेरा कत्ले आप। चल ए बुड्ढे कहाँ है देवा? सैलोनी की तरफ अगर तूने आंख उठाकर भी देखा या कभी डाला धमकाकर इसके साथ बदतमीजी की तो देवा तुझे नहीं छोड़ेगा। कैसा फड़क रहा है चिड़िया के सामने? अगर हिम्मत है तो फाइट के मैदान में आ जाना, फैसला लोगों के सामने होगा क्योंकि तो राजवीर आज तक किसी से नहीं आ रहा। देवा तूने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अपनी मौत को दावत दी है, मौत को। राजवीर यह तो वक्त ही बताएगा किसने किसको मौत की दावत दी है। पकड़ो साले को। का ना
ना जाने। लगता है आज बड़े मूड में हो, कल तो बड़े भाव खा रहे थे। अरे बैठना है तो बैठ जाइए, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कॉलेज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर रुको रुको, मैं बैठती हूँ। बस देवा, तेरा खेल खत्म हुआ। मुझसे माफी मांगने आया था, लेकिन इसने इसे मार डाला। बोलना बंद कर दे, पकड़ साले की उतार, जल्दी पकड़ इसे। वो लड़का कहाँ है? हम उस हरामजादे की शकल देखना चाहते हैं कि ऐसा कौन सूरमा पैदा हो गया जिसने सुल्तान भाई को घाव दिया है। हम उस हरामजादे को जिंदा जमीन में दफन कर देंगे। जिस लड़की के लिए तुमने मेरे भाई को मारा है ना, उस लड़की को भले पागल लड़की से भाई, देवा गांव छोड़ के जा रहा है। वो गांव नहीं, दुनिया छोड़ के जाएगा।